हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीएमए 2023 के बारे में। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देंगे, चाहे वो अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो या फिर अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनके टीएमए कब होंगे और प्रैक्टिकल कब होंगे, बच्चों के बहुत ज्यादा कमेंट्स और डाउट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टीएमए के बारे में। टीएमए क्या है? टीएमए को बेसिकली ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बोलते हैं, तो कुछ बच्चे इसको असाइनमेंट भी कहते हैं। तो यही आपके असाइनमेंट होते हैं। ये आपको जो अप्रैल 2023 वाले बच्चे हैं सभी को टीएमए जमा करने हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टीओसी वाले, बिना टीओसी वाले, यानी कि अप्रैल वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो टीओसी वाला हो चाहे बिना टीओसी वाला हो, सबको असाइनमेंट आपको जमा करने हैं। अब जिन बच्चों ने पहले जमा कर दिए हैं, जिन बच्चों ने पहले अपने टीएमए जमा कर दिए हैं पिछले, मतलब कोई जिसका मान लो 12वीं क्लास का एडमिशन है, कुछ सब्जेक्ट पहले दे चुका है या किसी वजह से सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं दे पाए लेकिन टीएमए जमा कर दिए हैं और उनके टीएमए के मार्क्स लग चुके हैं, तो उनको टीएमए देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के मन में आ रहे हैं कि टीएमए सोल्ड कहाँ से मिलेंगे, टीएमए कैसे बनाने हैं, टीएमए कहाँ जमा करने हैं, टीएमए कब जमा करने हैं, टीएमए की फीस भी लगती है क्या, और फिर टीएमए के मार्क्स कब मिलेंगे, और टीएमए कौन कौन से बच्चों को जमा करने होते हैं। तो इस तरह के आपके जो भी डाउट्स हैं, सारे के सारे डाउट्स आपके वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो साथ में बिल्कुल बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। अब बात करते हैं इनके सभी डाउट्स के बारे में। सबसे पहले जो टीएमए आपके अप्रैल जो 2023 वाले फिलहाल जो बच्चे हैं, उन सभी को टीएमए अपने सबमिट करने हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पहले पे एग्जाम को एक या दो सब्जेक्ट के एग्जाम दे चुका है और उसने अपने टीएमए सबमिट कर दिए हैं, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं करे हैं तो वो उसको टीएमए सबमिट करने पड़ेंगे। टीएमए होता कितने नंबर का है? बेसिकली टीएमए आपका 20% होता है जो थ्योरी आपका एग्जाम होता है। जैसे सपोज करो कोई भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, हिंदी का एग्जाम थ्योरी का होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? तो इसका 20% टीएमए कितने नंबर का हो जाएगा? आपका 20 नंबर का। इसके अलावा जैसे इंग्लिश होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, इन सब में टीएमए आपका 20 मार्क्स का होता है। और 20 नंबर आपके बहुत ज्यादा होते हैं आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, आपकी परसेंटेज बढ़ाने के लिए 20 नंबर का बहुत बड़ा योगदान रहता है आपकी मार्कशीट के अंदर। इसके अलावा जैसे अगर आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या फिर बायो है, इनके अंदर आपका टीएमए होता है 16 नंबर का। इसलिए क्योंकि इनका थ्योरी एग्जाम 80 मार्क्स का होता है और 80 का 20% निकालोगे तो 16 आपका आ जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गई, ज्योग्राफी हो गई, या फिर आपकी होम ज्योग्राफी हो गई, ठीक है ना, तो इन सब्जेक्ट के आपके टीएमए कितने नंबर के हैं? 16 नंबर के हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पेंटिंग है एक सब्जेक्ट, एक आपका डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री आपका होता है 8 मार्क्स का टीएमए और पेंटिंग में आपका होता है 6 मार्क्स का। बच्चे इसके अंदर भी कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेंटिंग में 30 नंबर का पेपर आता है, उसका 20% निकालोगे तो 6 आ जाएगा। डाटा एंट्री आपका 40 नंबर का पेपर आता है, उसका 20% निकालोगे 8 आ जाएगा। तो ये है आपके टोटल। इसी तरह से आप हिसाब लगा सकते हो कि कौन कौन से आपके उसमें कितने नंबर का आपका टीएमए है। फिर भी आपको डिटेल इसके बारे में नॉलेज चाहिए तो पहले भी एक वीडियो हमने इसके बारे में बना रखा है, वहां पर उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें टीएमए सोल्ड आपको कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका तरीका क्या है। तो जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे, वहां पर आपको टीएमए के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से आप क्वेश्चन अपने डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद आपको सोल्व करने हैं, या तो आप खुद सोल्व कर लो, अगर आपको सोल्व करने में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप सोल्व टीएमए हमारे पास से ले सकते हो। ये हमारा नंबर है 7303838500। इस पर आप व्हाट्सएप करके अपने सब्जेक्ट लिख के भेजिए, अपना मीडियम लिख के, यहाँ से हम आपको टीएमए सेंड कर देंगे। जो भी इनका नॉमिनल चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर हमारी ऐप है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, इसको आप अपने फोन में इंस्टॉल कर लो और यहां पर आपको सभी टीएमए के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहां से आप अपने टीएमए के सॉल्यूशन खरीद सकते हो। टीएमए बनाने कैसे हैं? बेसिकली आपको टीएमए जो बनाने हैं, A4 जो शीट आती है आपकी, उस पर बनाने हैं, लाइनिंग वाले पेज पे बनाने हैं, और बनाने के बाद उसकी पीडीएफ बनानी है, और पीडीएफ बनाने के बाद वो आपको ऑनलाइन जमा करने हैं। जो ये डाउट था ना कहां जमा करने हैं, वो आपको कहीं जाके जमा नहीं करने, ऑनलाइन अपने डैशबोर्ड पे ही वो सबमिट करने हैं। अब ये कब जमा होंगे? ये आपके जो है दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, आपके टीएमए जमा होने दिसंबर से स्टार्ट होंगे और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है जो आपके टीएमए जमा करने की है। अगर आप उसके बाद जमा करोगे तो आपको भारी भरकम फीस देनी पड़ेगी। ये 1500 रुपये भी लगभग हो जाती है लेट फीस, या फिर 400 रुपये बाद में एनएस ने इसको कम कर दिया था। उसके बाद टीएमए की कोई फीस, अगर आप 31 जनवरी तक जमा कराते हो तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी, केवल आपको अपने टीएमए सबमिट करने हैं अपने डैशबोर्ड में जाकर के, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है।
अगर आपको अपने टीएमए मान लो अपने एक्सपर्ट के थ्रू आप हमारे थ्रू लिखवाना चाहते हो तो आपके टीएमए हम एक्सपर्ट टीचर से लिखवाएंगे और उसके बाद आपके वो टीएमए अपलोड भी करवाएंगे। अपलोड करने के बाद आपको उसकी रिसीविंग भी मिलेगी, तो उसके लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नंबर है 7303838500। ये नंबर आपके फ़ोन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर मान लो कभी भी कोई दिक्कत आपको आ जाती है तो आप किससे पूछोगे। तो आप ये नंबर अपने फ़ोन में सेव करो, PSC NIOS के नाम से इस नंबर को अपने फ़ोन में आप PSC NIOS के नाम से इस नंबर को इस नाम से आप फ़ोन में अपने सेव कर लो। आप इस पे मैसेज करके पूछ लो कोई भी समस्या है। अब थोड़ा सा हाँ डिले हो सकता है आपको बताने में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस कॉल आते हैं, हमारे कंसल्टेंट लगे रहते हैं इस पे बताने के लिए। तो जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको वो चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएंगी। आपको TMA के सॉल्यूशन चाहिए तो आपने सब्जेक्ट और मीडियम लिख के भेज दो, आपको TMA के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। अगर आपको TMA अपलोड भी हमसे ही कराने हैं, क्योंकि इसके अंदर होता क्या, पहले हम आपके TMA लिखवाएंगे टीचर से, उसका फिर फ्रंट पेज रेडी होगा, फ्रंट पेज आपका बनने के बाद उसकी फिर आपकी PDF बनेगी, PDF बनने के बाद आपका TMA आपके डैशबोर्ड में वो अपलोड होगा और सही तरीके से बिल्कुल अपलोड करेंगे। और साथ में जो सोल TMA हम आपके डैशबोर्ड पे अपलोड करेंगे वो आपको व्हाट्सएप पे भी हम उसको भेजेंगे और साथ में उसकी रिसीविंग भेजेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो आप फटाफट इस नंबर को सेव कर लो और इस नंबर पे अपने सब्जेक्ट वगैरह लिख के भेजो अगर आपको सबमिट कराने हैं। लेकिन सबमिट कब होंगे आपके, दिसंबर के स्टार्टिंग से आपके सबमिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी डाउट रह जाता है TMA के रिगार्डिंग तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, और या फिर जो है व्हाट्सअप करके या फिर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हो। कोई भी डाउट और या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और NIOS की इन्फॉर्मेशन के लिए कोई भी किसी भी चीज़ अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कोई भी अपडेट NIOS की तरफ से आती है तो वो चैनल के माध्यम से ही आपको बताई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ हमसे सकते हैं। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा और जो भी आपके NIOS वाले दोस्त हैं उनके साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, और आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।